आज का दिन महान हस्तियों ने हमारे दूसरे प्रेसिडेंट जो इंडिया के रहे उन्होंने अपना जन्मदिन डेडिकेट कर दिया इन टीचर्स के लिए जो एक्चुअल में ट्रूली नेशन बिल्डर हैं, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन जो काम एक गुरु करता है वो मैं नहीं समझती कोई और कर सकता है। जीवन देने वाले माँ बाप होते हैं, उस जीवन को संवारने वाले इस धरती पर हैं तो वो हमारे गुरु हैं, और आज हमें सौभाग्य है कि हमें इनको नमन करने का मौका हमारे प्रेसिडेंट ने दिया, और हम हर वर्ष इनको इसी तरह 364 दिन ये अपना तन मन धन से बच्चों के लिए सेवा करते हैं, और ये दिन इनके लिए समर्पित है। हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझते हैं कि ये दिन इनके लिए मनाया जा रहा है। मैं तो दिल से सल्यूट करती हूँ इन टीचर्स को, और इसी तरह ये इन गीली मिट्टी को जो है शेप देते आए, यही मेरी इन सब से इच्छा है, दिली ख्वाहिश है कि ये अपना काम लगन से करते रहें, और वो दिन दूर नहीं, अभी भी आज भी इतिहास की तो बात क्या करनी है, हमारा जो देश है, हमारे बच्चे जो हैं वो अपने देश तक सीमित नहीं है, आप जितनी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं आप वहाँ चले जाइए, हमारे देश के बच्चे अगर वो सीईओ हैं तो वो उनमें खासियत है, कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई यूके में है, वो सेटल्ड हैं और उन देशों के ऊपर छा रहे हैं इन गुरुओं की वजह से, जो इन गुरुओं ने इनको जो इनका जीवन संवार रहे हैं, और बदले में ये बच्चे हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इन सब गुरुओं से मेरी यही प्रार्थना है कि इसी मेहनत और लगन से काम करते जाओ, और समाज आपकी जो आपने जो इस देश के लिए जो आप काम कर रहे हो वो आप वाकई ही प्रशंसा के काबिल हो, नमन करने के काबिल हो। गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिस गोबिंद दियो मिलाए। तो जिसने भगवान के दर्शन करा दिए उस गुरु का स्थान तो उच्च है, था और हमेशा रहेगा। यही मेरी कामना है आज के दिन कि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, और हम इन्हीं के लिए अपना जितना मैक्सिमम कर सकते हैं हम इनके लिए काम करते जाएं। परमात्मा हमें सबुद्धि दे, शक्ति दे, और हम आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, और इस वक्त हम द आर्यन स्कूल में मौजूद हैं, और टीचर्स डे पर यहाँ किस प्रकार से सेलिब्रेशन हुआ वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप वो तमाम तस्वीरें देखें किस प्रकार से यहाँ सुबह से ही एक खूबसूरत माहौल देखने को मिला, और शिक्षक दिवस किस प्रकार से मनाया गया। बहुत से शिक्षक, बहुत से टीचर्स यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, उनके साथ बातचीत करेंगे कि आज का दिन बेहद ख़ास कैसे है, और किस प्रकार से टीचिंग को या शिक्षण को और बेहतर बनाया जा सकता है, और कैसे आज का दिन मनाया गया आज इस विद्यालय में, बातचीत करेंगे। आज जैसा कि जो है एक प्ले भी हुआ है यहाँ पर, हमें जो जानकारी मिली है, क्या कुछ थीम था, कैसे? सर, थीम उसमें जैसा कि हमने देखा कि लॉकडाउन में बच्चों ने फोन का यूज किया, स्कूल में यूज किया, मिसयूज भी बहुत हुआ, उसी को हमने सारे टीचर्स ने ध्यान में रखते हुए एक प्ले बनाया। हमारी खुद की सोच थी, वो सारे टीचर्स ने मिलके वो प्ले बनाया, लेकिन हमें गाइड किया अन्नू मैम ने, इन्होंने हमें बताया कि सर आपका ये डायलॉग रहेगा, हमने अपनी तरफ से भी कुछ उसमें बातें डाली, बहुत अच्छा लगा। और यही बताया गया उसमें कि किस प्रकार बच्चा मोबाइल का कितना भी यूज़ कर रहा है, बाद में जब एग्जाम का टाइम आता है तो क्या उसके ऊपर गुजरती है, वो कभी मम्मा की हेल्प कर रहा है, ले रहा है, कभी पापा की हेल्प ले रहा है, लेकिन उसको कहीं से हेल्प नहीं मिलती। लास्ट में जब वो हताश होकर के, निराश होकर के स्कूल के लिए निकलता है, उसको ये तक नहीं पता होता कि आप रोड पे किस साइड चल रहे हो, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल, वाकई में एक ज्वलंत विषय था जिसको लेकर के आज एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की गई। मैम, टीचर्स डे पर क्या कुछ कहना चाहेंगी तमाम बच्चों को? स्कूलिंग और एजुकेशन इज नॉट सिंपल एज इट यूज टू बी, सो मैनी चैलेंजेस हैव इमर्ज्ड
on daily basis we are dealing with this, especially after the COVID times. We have to get the students back on the track. They somehow, when they were coming regularly, there was no problem. Now the most important was thing was ki this is now we are back to offline culture. It was challenging for teachers as well. So slowly and steadily we are coping with it, getting back things right where they should be, and yes, definitely we'll be successful. बिल्कुल, तमाम चीजें पटरी पे आई हैं दोबारा से. कोविड के बाद स्थिति बदली है, अब कैसा माहौल? Now the situation is quite nice, and everyone get involved in the school atmosphere what we had previously. Okay, and today we have celebrated the Teachers' Day in a very enthusiastic way, and that was very wonderfully done by the teachers also. Performances have been done by the teachers also. One Nukkad Natak had been organized by the teacher Annu and team, and that was very nice. And through that Nukkad Natak, one message was given to the student that what should they use and what should not they use, or what kind of limitations they put on the type of social medias they are using nowadays. And because teacher is not just teach us, it guide us, it mentor us. And that was the meaning behind that, and that was really wonderful. And that Nukkad Natak made us did made us today's days. Thank you Annu ma'am and team. जी मैम, आप क्या? नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, दिस मैसेज गोज टू थ्रू मोबाइल फोन्स एज वी एक्टेड इन दिस नुक्कड़ नाटक, एज फॉर पेरेंट्स आल्सो, एज आई एक्टेड इन एज अ मम्मी, मॉडर्न मॉम, लाइक शी बिहेव्ड लाइक दैट, शी वाज वेरी बिजी इन हर किट्टेज एंड ऑल, एंड दो शी इज कंप्लेनिंग दैट शी इज डूइंग ऑल द वर्क. But actually the thing is, we don't spend the time with the children. I know that that is our duty as a teacher, that is our duty to motivate them for encouraging don't use the mobiles. But parents also, they should also realize they have their family, so they should spend the time with the children also. Bilkul, thank you. Bahut zaruri. Main aap se ye janna chahunga ki pehle ke daur se आज में कितना बदलाव आया है, खासतौर से जो रिलेशन होता था टीचर और स्टूडेंट के बीच में. आपका दौर जब आप पढ़ते थे उस वक्त और आज कितना बदला? देर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस. जब हम पढ़ते थे और कभी हमें टीचर दिख जाती थी मार्केट में, तो वी यूज टू हाइड बिहाइंड द पेरेंट्स, कहीं मैडम हमें देख ना लें. और आज के टाइम पे अगर जब बच्चे हैं वो किसी भी टाइम दे डोंट इवन सी द टाइम, दे आर हैविंग द मोबाइल फोन, हेलो मैम हाउ आर यू, हाय स्टेटस अपडेट विद द टीचर्स. वो जो एक रिस्पेक्ट थी, हमें लगता है कि वी हैड अ फियर एंड वी हैड अ रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, जो कहीं ना कहीं मे बी द रीजन इज द सोशल मीडिया और द जनरेशन गैप, वी कैन से दैट हैज बीन डिक्रीज्ड अ लिटिल बिट, आई फील सो. बिल्कुल बिल्कुल. आप क्या कुछ कहना चाहेंगी खासतौर से आज के दिन को लेकर? टीचर्स डे के लिए मैं यही कहूंगी, टीचर्स आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट गिवन बाय गॉड टू अस. They teach us, they guide us, they inspire us for everything in our life. आज जो हमने एक नुक्कड़ नाटक परफॉर्म किया, that was very much inspiring. If I say that, it gives the knowledge that we should give our unique and precious time to our kids. The valuable time that will become the most vital part of their life. And by this way, they will encourage themselves, they will motivate themselves. And lastly, I will say, Guru bin gyan na upje, Guru bin mite na bhed, Guru bin sanshe na mite, jai 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 Gurudev. Thank you. Guru ki mahima waqai mein kahin jyada hai, aur sabse pehle poojaniye maane jate hain. DRN school mein aaj jis prakar se tamam tarah ke vishayon ko uthaya gaya, aaj jo hai subah se hi bacche आप लोगों को कहीं ना कहीं विश कर रहे होंगे, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा फील हो रहा था. मतलब आज के दिन हमको ऐसा लगता है स्पेशल हैं, क्योंकि रूटीन में तो हम लोग एक टीचर हैं ही हैं, बट आज के दिन जब बच्चे हमको विश करते हैं तो वी फील वेरी गुड, वेरी नाइस, और एवरीबॉडी ऑल आर हैप्पी. वी आर रियली सैड, हाँ, वी फीलिंग प्राउड ऑल्सो. और लास्ट में मैं डेडिकेट करूंगी सब टीचरों को कि टीचर्स हैं जो बच्चों को एक शिखर तक लेके जाते हैं. बिल्कुल. और सब्जेक्ट भी उतने इम्पोर्टेंट हैं, तो एक छोटे से चार लाइन का मुक्तक है. हाँ, जरूर. तो सब आपके लिए. तमन्ना की इकाई घर दहाई में बदल जाए,
तमन्ना की इकाई घर दहाई में बदल जाए, पहाड़े सा मेरा जीवन रुबाई में बदल जाए, तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन, तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन, सफलता की किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए। थैंक यू एंड हैप्पी। बहुत बहुत सुंदर और बहुत अच्छी पंक्तियों के द्वारा आपने न केवल अपनी जिंदगी के बारे में और बच्चों को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा दी। मैम आप क्या कहेंगे? Teachers Day is a very special day for us, no doubt, because our little kids really feel proud to us ki aap hamare teacher ho, and they really love to us ki ma'am happy Teachers Day ma'am, and they need a hug from us. So wo hame bahut proud feel karate hai. This is a very special day, and education for me it's all round development of a child, and this is what the RN's team is trying to give them. We are also giving them the complete all round development. बिल्कुल बिल्कुल। आज सुबह से ही जो है बहुत से बच्चे ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बना के लाए होंगे, ये जो ये फीलिंग है कहीं ना कहीं उसके बारे में कहीं बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही साथ खुद को बहुत किस्मत वाले मानते हैं कि हम दूसरे बच्चों को ज्ञान बांट रहे हैं, और जो हम उन्हें सिखा रहे हैं वो उनके आगे तरक्की में बहुत काम आएगा और उन्हें उन्नति के शिखर तक लेकर जाएगा। तो काफ़ी खुद पर बहुत गर्व महसूस होता है कि भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम आज दूसरों को ज्ञान प्रदान कर सकें। बिल्कुल, बहुत सुंदर। दे आर स्कूल की जो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, तमाम शिक्षकों ने अपने अनुभव हमसे साझा किए हैं। आप भी कुछ कहा सर? सर आज टीचर डे हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। और आज हमने क्या किया कि बच्चों को टीचर बनाया। आफ्टर रिसेस हमने बच्चों को टीचिंग, सब बच्चों 11 12th के बच्चों ने टीचिंग किया। हर क्लास में जाके उन्होंने टीच किया बच्चों को और पढ़ाया, और हमने देखा वहाँ पे कि वो किस तरह से कर रहे हैं। और इसी तरह से जैसे हम तीन स्पोर्ट्स टीचर हैं, हमने भी आज रिलैक्स किया, और बच्चों ने आज एज ए डीपी जॉब किया और पूरा डिसिप्लिन स्कूल में किया, और ये बहुत ही अच्छा लगा हमें देख के, और ये हमारे लिए बहुत नया था, बहुत अच्छा था। बिल्कुल। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं, कहीं ना कहीं उनके जन्म दिवस को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, कितना प्रभावित करते हैं वो? सर नो डाउट दैट वी सेलिब्रेट द टीचर्स डे ऑन द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एंड इट्स अ फेमस थ्रू आउट द इंडिया वी आर सेलिब्रेटिंग, एंड इट्स अ सो स्पेशल डे फॉर ऑल द टीचर्स। ऑल द टीचर्स वी फील सो प्राउड दैट वी आर स्पेशल, but the students thinks that today we have performed a Nukkad Natak, in that in which the value, or even they say that the importance of time, how the parents are neglecting their kids because they are also spending their time on these things. And even after the Nukkad Natak, when I took the feedback from the students, they said that man, this is the real truth of our life. तो तमाम शिक्षकों के अनुभव खास तौर से आज के दिन किस प्रकार के रहे हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं। मैम आप क्या कहेंगी शिक्षक दिवस? सर ये बहुत ही अच्छा दिन है, स्पेशल डे था टीचर्स डे के लिए। पूरा दिन आज हमारे को बच्चों ने स्पेशल फील कराया है। हमने सुबह से लेकर एक फंक्शन परफॉर्मेंस दी, स्टूडेंट्स ने परफॉर्मेंस दी, टीचर्स ने परफॉर्मेंस दी, काफ़ी ज़्यादा स्पेशली बच्चों ने क्लासेस ली, उनको पता लगा कि क्या डिफ़िकल्टीज टीचर्स को फेस होती हैं, वो खुदा के अपने एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर करे, तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। बच्चों के लिए भी एक नई चीज़ें सीखने को मिली उनको, तो काफ़ी अच्छा रहा। जी मैम आप क्या कहेंगी खासतौर से आज के दिन पर, और आज जो है सुबह से ही तमाम बच्चे कहीं ना कहीं आप लोगों को विश कर रहे होंगे और शुभकामनाएं? हाँ उनकी सबकी विशेष के लिए आई, थैंक यू वेरी मच। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं स्टूडेंट्स को विश करती हूँ, बिकॉज वो हैं तो हम हैं। उनकी हमारे साथ अगर एडजस्टमेंट ना हो, कॉपरेशन ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, तो वी आर नथिंग, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी इन दिस प्रोफेशन। थैंक यू सो मच टू माई स्टूडेंट्स,